दोस्तों देखिए आप लोग के उस दिन से किस तरह से जो घर में लड़ाई हो गया था हम लोगों का, और देखिए उसी के बीच में देखिए आप लोग की कितना लड़ाई हुआ था, और उसी में से देखिए कि ये जो खेत वगैरह सबको जोत दिए थे तो फिर बोल रहे हैं कि नहीं हम ही लोग का है, ज़बरदस्ती बोल करके देखिए आज गाँव में जो है पंचायत में जो बैठकी है वो बैठाया हुआ है यहाँ पर। और चलिए आप लोगों को वीडियो में बने रहिए आप लोग, और दिखाएँगे कि बैठकी में क्या फैसला होता है इसको, कहे कि आज से नहीं जो कहे कि मेरा बाबा जो पहले से ही लोग हमेशा बैठकी और कुछ यही लोग गलती कर देते थे, उसके बाद में हमेशा उसको अकेले करके ये लोग बैठकी वगैरह समय बैठा करके उसको एक तरफा करके बोलते थे। कहे कि गांव घर में अक्सर आप लोग भी जानते होंगे, गांव से होंगे तो कहे कि जो जैसे दारू वारू वगैरह सब पिला देने के बाद में जो गाँव के लोग होते हैं कुछ लोग, वो लोग पी खा लेने के बाद में जानते हैं कि गलत है, लेकिन भी उधर गलत के तरफ में ही एक पक्ष होकर के बोलते हैं। कहे कि ऐसा आज नहीं बल्कि ये जो हम लोग का गांव में है ये हमेशा से ऐसे ही होते आया है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन कैसा बोलता है और क्या फैसला होता है उसके बाद आज उसको। कहे कि देखिएगा कि गलत कौन है और गलत कौन किया है और सही कौन है उसको आप लोग भी देखें, लेकिन भी देखिए कि ज़बरदस्ती ये लोग बोल रहे हैं और गाँव में बैठकी बैठाए हुए हैं। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को वीडियो में बताएँगे, यहाँ जो भी बात होगा उसको तो नहीं दिखा सकते हैं, चाहे नहीं दिखा पाएंगे, कहे कि और भी जैसे जो पंचायत के मुखिया लोग होते हैं वो लोग भी शायद आएंगे, कहे कि उनको भी पता है कि यहाँ ऐसा ऐसा मैटर हुआ है उसको बोल के, अगर वो लोग भी आएंगे तो फिर शायद हो सके तो वीडियो ना भी दिखाना पड़े वो लोग क्या चीज़ बात हो रहा है और क्या बोल रहे हैं उस सब चीज़ को, लेकिन लास्ट में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि क्या फैसला हुआ उसको। अगर गलत फैसला होगा तो गलत फैसला ही बताएंगे और सही फैसला होगा तो फिर सही फैसला ही बताएंगे। कहे कि गांव के लोग पहले भले वैसा होता था कि पिला खिला के एक साइड में करके बोलते थे, लेकिन आजकल वैसा नहीं है गाँव में, कुछ लोग शिक्षित भी हैं और कुछ लोग गलत को गलत और सही को सही भी बोलने वाले लोग हैं, इस वजह से वैसा नहीं होगा, लेकिन भी देखते हैं कि कौन क्या होता है और कितना गांव में सही फैसला हो पाता है उसको। बने रहिए आप लोग वीडियो में। कहे कि यहाँ जो बोल रहे हैं कि तेरा बाबा ऐसा किया वैसा किया बोल के, लेकिन अभी मेरा बाबा नहीं आया है ड्यूटी में ही, इस वजह से उसको छुट्टी नहीं था तो फिर नहीं आ पाया है, लेकिन भी आज संडे है तो फिर वो आएँगे ज़रूर। कहे कि उसको फ़ोन करके बोल दिए थे ऐसा ऐसा है बोल करके, तो बोले थे कि बाकी दिन में तो छुट्टी नहीं रहता है लेकिन संडे का दिन में बोले थे इसके, इस वजह से संडे का दिन में ही यहाँ पे गांव में जो है पंचायत में ऐसा बैठक है और वो आज आएंगे और वो भी अपना बात रखेंगे। कहे कि जो भी हुआ है हम लोग तो उतना जानते नहीं, इस वजह से उतना बोल नहीं पाएंगे, लेकिन वो भी आएंगे तो फिर वो अपना बात रखेंगे। इस वजह से आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बताएँगे ज़रूर कि क्या फैसला होगा उसको। दोस्तों बैठक में बहुत कुछ बात हो रहा है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन क्या फैसला होगा उसको बाद में यहाँ पे तो नहीं, लेकिन बाद में घर जा कर के बताएंगे कि क्या हुआ उसको। वीडियो में बने रहिए आप लोग लास्ट तक। में बहुत सारा बात हुआ और बहुत ही लंबा समय तक बैठक चला, इस वजह से बहुत लंबा वीडियो हो जाता है दोस्तों, इस वजह से आप लोगों को सारा बात नहीं दिखा पाए। और उसमें फैसला लिया गया कि जैसे वो लोग गलती कर दिए थे तो फिर गांव वाले जो पंच बैठे थे वो लोग भी बोले कि इस बार वैसा कर दिया लेकिन अगले बार से नहीं करना बोल करके, तो फिर हम लोग भी सोचे कि चलो इस बार में खेती लगा हुआ है तो फिर उस चीज़ को छोड़ दिए, और जैसे इस बार कल करने कर ले रहा है उसके बाद में फिर अगले साल करेंगे, बगल में खाली है उसको करने के लिए, लेकिन उसमें बहुत समय से वो लोग भी नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन अचानक वो लोग इधर बगल वाला में खेती होता था इस वजह से उसी में कर दिए वो लोग हम लोग का है बोल करके, इस वजह से फिर गाँव वाले लोग भी समझाए और बोले कि गलती किए हो तो फिर उस चीज़ को मानना पड़ेगा बोल करके, और लास्ट में खैर मानना पड़ा उसको वो लोग को। और जैसे पहले होता था दोस्तों कि जो गांव में खिला पिला के दूसरों लोगों को अपने पक्ष में बोलना, लेकिन आजकल वैसा नहीं होता है, होते हैं कुछ लोग अभी भी, लेकिन अभी गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने वाले लोग भी हैं, इस वजह से जो भी गलत करता है उस चीज़ का फैसला होता है। कहे पहले वैसा होता था, शायद पहले भी अच्छा फैसला होता था, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको पिला खिला देने के बाद में वो लोग एक तरफा ही बोलते हैं, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ, जबकि हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद पहले से वैसा होते आया है तो होगा बोल करके, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बाकी सही गाँव वाले लोग भी जो पंच के द्वारा जो बैठक किए थे वो लोग भी सही फैसला ही लिए हैं, इसलिए देखिए गांव देहात में सब चीज़ बहुत होता है, कहे कि गलती कर भी लेते हैं लेकिन उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते हैं,
देखिए वहाँ की कितना लड़ाई हो गया था हम लोगों का, आखिर लास्ट में उनको झुकना ही पड़ा और गलती वही लोग का था इस वजह से। और आप लोग को वीडियो दिखाए पूरा आप लोगों को, देखे आप लोग की किस तरह से वो लोग लड़ाई हो गया था हम लोगों का, और वीडियो में भी दिखाया आप लोगों को, और लास्ट में उनको झुकना ही पड़ा, कहे कि गलती उन्हीं का था, वही लोग गलती किए थे इस वजह से, और फिर लास्ट में मान गए कि चलो गलती हुआ, अगले बार से ऐसा नहीं करेंगे और उस जगह में नहीं करेंगे बोल करके। फिर जो दादी लोग थी वो लोग को भी बोले हम लोग कि इस बार वो लोग वैसा किया, गलत किए बोल कर माना, उसके बाद में इस बार मत कीजिएगा, इस बार कल छोड़ दीजिए, अगले बार से वो लोग का जैसे भी जो बादाम खेती डाला हुआ है और जैसे ख़त्म होगा उसके बाद फिर आप लोग कीजिएगा उसमें बोल करके बोले। और दिखाए आप लोगों को शुरू से ही कि किस सा लड़ाई हो गया था हम लोगों का घर में उसको। और तो दोस्तों फाइनली लास्ट फैसला गांव में भी सही सलामत हो गया, और अगर नहीं होता तो फिर गांव में भी दिखाते कि कैसा फैसला करते हैं उसको। तो गांव में ऐसे छोटा मोटा हमेशा कांड लड़ाई वगैरह सब होता ही रहता है, लेकिन उस चीज़ को कभी कभी लोग समझते नहीं हैं। और चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।